मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड फर्नेस चैप्टर 10 पढ़ेंगे हिंदी में और चैप्टर 10 का नाम है थपथपी थपदार। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहाँ आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है क्योंकि जैसे ही पर्दा उठता है तो सारे बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। मुन्नी पुकार कर, ओ नीना नीना सुन। मुन्नी आती है उसके घर से दौड़ी दौड़ी और वो नीना को पुकारती है। नीना पास आते हुए, क्यों क्या बात है मुन्नी? नीना मुन्नी के पास आती है और पूछती है कि क्या बात है। मुन्नी, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा घी दाल दही साग चीनी मक्खन सब चीजें ले ली है, चल रोटी का खेल खेलेंगे। मीना मीना को बताती है कि मैंने अम्मा से सारी वो चार ये चीजें ले ली है और हम रोटी का खेल खेलते हैं। नीना, हाँ खूब मजा आएगा, चलो उन लोगों को भी बुला ले। ताली बजा, मीना बहुत खुश हो जाती है। तो ठीक है, हम वो खेल खेलते हैं, बहुत ही मजा आएगा। अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई है, चलो अब रोटी का खेल खेले। वो चुन्नू को पुकारती और बोलती है, ये खेल तो हम कब से खेल रहे हैं और अब हम रोटी का खेल खेलते हैं सब। हाँ हाँ यह ठीक है मुन्नी, अच्छा अच्छा चलो। देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना, वो लोग सब अपने आप में सारा काम बांट लेते हैं। तो मुन्नी चुन्नू और टिंकू को बाजार का काम सौंपते कि तुम्हें बाजार से सब्जी वो सब लानी है। नीना, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे, जब इनसे आग तब नहीं जलेगी तब मजा आएगा। लेकिन नीना मुन्नी को मना कर देती कि उनको बाजार का काम मत दो, इनसे हम दाल बनवाएंगे। चुन्नू, तो क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखाई देंगे। क्यों? चुन्नू बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम आग नहीं जला सकते? तो फिर आज तो हम तुम्हें दाल बनाकर दिखा देंगे। टिंकू, हाँ हाँ दोस्त देख लेंगे। मुन्नी, तो सल्ला तू क्या करेगी? मुन्नी सल्ला को पूछती है कि तू क्या करेगी। सल्ला, भाई मैं तो दही का मटका चला दूंगी। मुन्नी, और तल्ला तू? मुन्नी तल्ला को भी पूछती कि तू क्या करेगी। तल्ला, मैं तेरे साथ रोटी बनाऊंगी। तल्ला बोलती कि मैं तेरे साथ रोटी बनाऊंगी। नीना, ठीक है मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मजा आएगा, तुम्हारी सारी चीजें खा जाऊंगी। और नीना बोलती है कि मैं बिल्ली बन जाऊंगी और तुम्हारी जो चीजें बनाऊंगी वो सारी मैं खा जाऊंगी। मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तल्ला रंगमंच पर आती है, रंगमंच यानी स्टेज। फिर गबरी उतारने का और रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती है। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है, वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है। एक बच्चा रोता हुआ तल्ला के पास आता है और वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है और प्यार से पास में बिठा कर फिर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़कर आती है, मट्टा देखने का अभिनय करती है। और मुन्नी जहाँ पर वो दही का मट्टा चला रही थी तल्ला, वहाँ पे आती है और उसे देखने का अभिनय करती है। मुन्नी, वाह खूब चलाया मट्टा, देखो ये मीठा या खट्टा, कि तुमने मट्टा बहुत ही अच्छा चलाया। अब मैं मक्खन को चपके देखती हूँ ये मीठा है या खट्टा है। सल्ला, क्या देखोगी इस मट्टे का बढ़िया स्वाद खाकर सब कर लेते हैं यार, क्या देखोगी इसका तो बहुत ही अच्छा स्वाद है और सब लोग याद भी करेंगे। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। चला ये लो चुन्नू टिंकू आए, देखे क्या तरकारी लाए, तरकारी यानी सब्जी। चुन्नू बोझ उतारते हुए, ओहो पीठ रही है दुख। चुन्नू वो सब नीचे रखता है और बोलता है कि पीठ दुख रही है। टिंकू, मुझको लगी करारी भूख। टिंकू बोलता है कि मुझे बहुत ही भूख लगी है जोर से। मुन्नी मुंह मरता देखो, बच्चों जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। मुन्नी बोलती है कि भूख लगने से क्या होगा, पहले तुम आग जलाओ और फिर दाल पकाओ। चुन्नू, अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाए, बड़ियों का भी स्वाद चखाए। चुन्नू बोलता है, हाँ चलो जल्दी से हम दाल बनाते हैं और सबको स्वाद इसका चखाते हैं। दोनों आग जलाने फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं, कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। मुन्नी, टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया चल गई, चुन्नू का हुआ बुरा हाल। मुन्नी उन लोगों के पास आती है, फिर बोलती है,
बढ़िया पकाई है और चूहों ने पकाई है दाल। किंको की बढ़िया जल गई है और उसके कारण चुन्नू का बुरा हाल हो गया है। तल्ला तथा अन्य सहेलियां एक ओर से आती है, हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में दलिया हो, आकर बैठ जाती है। फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती है। लड़कियां थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। ये पंक्तियां दो बार गाए जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक और बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर दो बार कहते हैं, चुन्नू लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए मार। चुन्नू बोलता है कि लाओ रोटी लाओ दाल, अब लाओ खूब उड़ाए मार। मुन्नी और तल्ला की सहेलियां रोटियों की दलिया उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में दो दो बार गाकर कहती है। फिर मुन्नी और तल्ला रोटी पर गड़िया लेकर आती है और लड़कों को रोटियां देने का अभिनय करती है और दो दो बार ये लाइन गाती है। मुन्नी आती है, ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। क्या बोलती है कि रोटी ले लो दाल ले लो और चक्कर वो कैसी बनी है वो मुझे बताओ। चुन्नू आदि चिढ़ाकर खट्टा, पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखती है तो कहते हैं, नहीं नहीं मीठा खट्टा नहीं नहीं मीठा। चुन्नू बोलता है कि पहले कि खट्टा, लेकिन मुन्नी जैसे ही उनकी तरफ गुस्से से देखती है तो बोलता है कि खट्टा नहीं मीठा है। खाने का अभिनय करते हुए खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा कुछ रुक कर सब बच्चे आधी खाए आधी रखे सब सो जाए उठ कर चले। सब बच्चे साथ में बोलते हैं कि आधा खाना अभी खाते हैं और आधा रखते हैं सो जाते हैं और आधा उठ के खाएंगे। सब बच्चे सो जाते हैं, अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है, बिल्ली का प्रवेश। फिर बिल्ली वहां पे आती है, वह चारों ओर देखती है तो होठों पर जीभ को फेर कर बड़ी खुश होकर कहती है, बिल्ली ओहो मक्खन कितना सारा, चट से चटकर करो किनारा। बिल्ली आती है और मक्खन को देखती है तो क्या इतना सारा मक्खन में खा लेती हूँ और जल्दी से यहाँ से निकल जाती हूँ। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है, छिंके पर से कुछ चीज लेने का अभिनय करती है। हे छिंके पर यह क्या रखा, आंख नहीं रही क्या अगर न चखा। कि इस छिंके पे क्या रखा है कि अगर कि मैं मेरा मन उसी में अड़ा रहेगा अगर मैंने इसको नहीं चखा। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए, रोटी कैसी गरम गरम है, घीसे चुपड़ी नरम नरम है। बिल्ली बोलती है कि रोटी कितनी नरम नरम है और घीसे चुपड़ी है। खाते हुए मक्खन रोटी चावल दाल जी भर खाया कितना मार। और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खराबे भर रहे बिचारे कि मैंने सब सारा खाना खा लिया और ये सारे खराटे भर रहे हैं। अब चुपके से सर पर जाओ, आलसियों को सबक सिखाओ, म्याओ म्याओ म्याओ। और वो वहां से निकल जाती है। बिल्ली जाती है, अंगड़ाई लेकर सल्ला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाते हुए कहती है, सल्ला ओरे चुन्नू टिंकू भाई कहाँ से है, कहाँ है मक्खन और मलाई। तो बिल्ली खाना आके खा जाती है और सल्ला सबसे पहले उठकर देखती है तो मक्खन वो सब होता नहीं और चिल्ला कर सबको उठाती है। मुन्नी चौंक कर उठते हुए, अरे जरा छिंके तक जाना और रोटी का पता लगाना, हाय रे ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाते कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सब बिल्ली ने खा लिया है। एक बच्चा, बिल्ली आई आधी रात खा गई रोटी खा गई भात। एक बच्चा बोलता है, बिल्ली आई आधी रात भात भी खा गई रोटी भी खा गई। दूसरा बच्चा, क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात खा गई रोटी खा गई भात। वही क्वेश्चन वो फिर से बोलता है, टिंकू चलो बिल्ली की जोर बचाए फिर चोरी का मजा चखाए। चलो हम सब लोग मिलके बिल्ली को ढूंढते हैं और चोरी का मजा चखाते हैं। सब बच्चे ठीक थे, बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं बाहर आते हैं, कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे छुपकर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव-भाव प्रकट करते जाते हैं। तभी तल्ला सल्ला चिपकर कहती है, तल्ला सल्ला यह लोग मिल गए बिल्ली मिल गया चोर। तभी तल्ला सल्ला बोलती है कि हमें बिल्ली मिल गई और चोर भी। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है, सब उसे पकड़ते हैं। रंगमंच यानी वो स्टेज पे आ जाती है, बिल्ली और सब लोग बिल्ली को पकड़ते हैं। सब करो पिटाई इसकी जोर, हंसकर मारने का अभिनय करते हुए सब लोग उसके पिटाई करने लगते हैं। बोल
अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। मारते हुए मोर सब लोग बोलते हैं कि अब मेरी रोटी और मेरा मक्खन की दाल कुछ खाएगी तू बिल्ली। हाँ खाऊंगी, सो सो बार सो जाऊंगे, जो सोओगे टांग पसर। बिल्ली बोलती हाँ मैं तो सो सो बार खाऊंगी अगर तुम ऐसे पैर खिला के सोओगे तो। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। तीन चार बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए सबके सब उसके पीछे भागते हैं। पर्दा गिरता है, यहाँ पे ये हमारा चैप्टर खत्म होता है।